आदाब नाजरीन, ज़ैन टीवी में आपका इस्तकबाल है। यौमे तालीम के मौके पर मौलाना इब्राहिम सकाफी ने मदरसा वहीदा निस्वा का मुआयना करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि तालीम या इल्म का सीखना हर मर्द वो औरत पे फर्ज है। इसके अलावा तालीम हासिल करने से दोनों जहां में कामयाबी हासिल करने की काबिलियत आ जाती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफ रसूलिल्लाह वाली कुल्लिम व सहाबाति अजमाईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर यादगर का मदरसा वाहिदा निस्वान में हम लोग इधर आकर विजिटिंग करने का मौका मिला। आज का दिन ऐसा दिन है सतह इंडिया में, आज का दिन को अवर कल इस दिनों के यौमे तालीमात अबुल कलाम आज़ाद इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हुए थे उससे उनको याद करते हुए इल्म के बारे में बहुत गौर व फिक्र के साथ याद मनाते रहते। एजुकेशन एंड इल्म इस्लाम में कुरान में बहुत सारे जगह में अल्लाह ने फरमाया कुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून। हुज़ूर आप फरमा दीजिए इल्म वाला और बे इल्म वाला कभी भी बराबर होते हैं? बिल्कुल नहीं होते। दुनिया में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म को इतना ज़बरदस्त बनाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। मर्द औरत पर इल्म सीखना फर्ज है। कौन सा भी कौम, कौन सा भी मजहब, इतना इल्म सीखने का फर्जियत के बारे में अपना मजहब के किताबों में नहीं बताया है, लेकिन इस्लाम इतना अहमियत एजुकेशन के बारे में दे रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे अल्लाह ने एक टीचर एक मुअल्लिम इल्म सिखाने वाले बनकर भेजा, बल्कि खुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीमात के बारे में खुद फख्र कर। इमाम बुसर रहमतुल्लाह अलैहि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते करते हुए फरमाते हैं फ़ाकन नबी नफ़ी इल्मिम वफ़ी फ़ाकन नबी नफ़ी खल्किम वफ़ी खुलकी वलम युदानो फ़ी इल्मिम वला करमी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म के बराबर दुनिया में जो भी हो उसका करीब नहीं पहुंचा, इतना इल्म का मर्तबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक और इल्म इसके बारे में कुरान में भी बहुत सारे जगह में उसका जिक्र भी हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ आज हमारा मुसलमान कौम 45% में है इल्म के बारे में। हम इल्म 100% होने के लिए कोशिश करना चाहिए। उर्दू इल्म मुसलमानों के लिए अपना दीनी मजहबी इल्म सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए उर्दू इल्म पर भी ज़्यादा शौक़ व ज़ौक़ रखना है। और कुरान तालीमात हदीस का तालीमात उसके साथ साथ दुनियावी तालीमात भरपूर मुकम्मल कामयाब के साथ करने के लिए मुसलमान कौम आज कोशिश करना चाहिए। इसके दौरान में हम लोग कर्नाटका मुस्लिम जमात बोलकर एक कमेटी का तश्कील में आए, यही हमारा मकसद यही है कौम व मिल्लत का तरक्की, एजुकेशन का तरक्की, दौलत का तरक्की, इस सब चीज़ पर हम लोग इंशाअल्लाह आगे बढ़ना है। इसलिए हर जगह में हम पहुँचते पहुँचते यादगिरी में भी पहुँचे, पहुँच कर मदरसा वहीदा निस्वान यादगिरी में भी हम मुलाकात करने के लिए यहाँ को हमें पहुँचे। आप लोगों से हम गुजारिश है ऐसा दिनों में तुम लोग इस्लाम का इल्म का अहमियत को याद रखते हुए इसी तरह का मदरसा को हम शुक्रिया अदा करते हैं और उसको मोहतमिम होकर रहने वाले मुबीन साहब इनको भी हमें आजकल बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह सुबहानहू व तआला
सब लोगों का ये काम को कामयाब तक पहुंचाने के लिए तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुभान व तआला इल्म और दौलत हर चीज में मुसलमानों को अल्लाह ने कामयाब तक पहुंचाए। वा आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।